नेताजी के निधन पर सैफई में शोक सभा, बिहार के सीएम नीतीश कुमार शोक सभा में हुए शामिल, जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह और केसी त्यागी भी रहे साथ। नेताजी को लेकर अखिलेश यादव का ट्वीट, कल अंतिम संस्कार के बाद आज किया पहला ट्वीट, लिखा पहली बार लगा बिन सूरज के होगा सवेरा। नेताजी मुलायम सिंह यादव को भारत रत्न देने की मांग, सपा प्रवक्ता आईपी सिंह ने राष्ट्रपति को लिखा पत्र। लखीमपुर खीरी में सट्टा कारोबारियों पर बड़ी कार्रवाई, 2.5 करोड़ की संपत्ति जब्त की गई, आरोपियों के घर को सील किया गया, 2 आरोपी पहले ही भेजे जा चुके हैं जेल रिहान और उनके परिवार के 2 सदस्यों पर शिकंजा। अलकादर मुजाहिदीन के यूपी पर नजर, बांग्लादेश मदरसों के जरिए यूपी में जड़ जमाने की कोशिशें, नेपाल सीमा के मदरसों के जरिए घुसपैठ कर सकते हैं, सूत्रों के हवाले से खबर। बदायूं में डबल मर्डर से सनसनी फैली, घरेलू विवाद में महिला और बहन की हत्या, धारदार हथियार से काटकर की गई हत्या, जेठ और उसके भाई ने घटना को अंजाम दिया। देहरादून में धामी कैबिनेट में 24 प्रस्तावों पर मोहर, सीएम की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक। उत्तराखंड सड़क सुरक्षा कोष नियमावली में बदलाव, अब 30% धनराशि सड़क सुरक्षा कोष में दी जाएगी, उत्तराखंड दुर्घटना राहत निधि की धनराशि अब 2 लाख की गई। द्रौपदी के डांडा में एवलॉन्च हादसे का रेस्क्यू जारी, अभी भी लापता हैं 2 पर्वतारोही, मौसम खराब होने की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में बाधा। उत्तराखंड के बीजेपी की तरफ से वंशधर भगत का महिलाओं पर अमर्यादित बोल, महिलाओं के सम्मान की बात करते हुए कर गए देवी देवताओं का अपमान। बलरामपुर दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ, बाढ़ प्रभावितों से सीएम योगी ने की बात, हर संभव मदद का दिया आश्वासन। सीएम योगी ने बच्चों को गोद में लेकर किया दुलार, टॉफी और चॉकलेट खरीदी। अयोध्या पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ, जगत गुरु रामानुजाचार्य की प्रतिमा का किया अनावरण। गाजीपुर में मुख्तार अंसारी के करीबी पर शिकंजा, गैंगस्टर गणेश दत्त की 14 करोड़ की 4 संपत्ति कुर्क की, प्रशासन ने गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई। गाजियाबाद के थाना कवि नगर इलाके और सिहानी गेट में बदमाशों और पुलिस के बीच हुई मुठभेड़, 4 बदमाशों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। कानपुर देहात पहुंचे पूर्व डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा का कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया, जनपद में चल रहे युवा मोर्चा के प्रशिक्षण शिविर में हिस्सा लिया। कुशीनगर में यात्रा पर गए छात्रों संग दरिंदगी, शिक्षकों ने छात्रों की जमकर पिटाई की, मोबाइल ले जाने के कारण छात्रों की पिटाई, 2 बच्चों की हालत गंभीर, आईसीयू में भर्ती। मथुरा में फराह इलाके में सड़क हादसे में 2 की मौत, ट्रक ने बाइक सवार दंपत्ति को टक्कर मारी, हादसे में पति पत्नी की मौके पर मौत, आगरा दिल्ली हाईवे पर सड़क हादसा। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में लगातार 3 दिनों से पड़ रही बारिश की वजह से ठंड के बाद धुंध ने बढ़ाई लोगों की परेशानी। हनाफ में तेज रफ्तार बाइकों में आमने सामने के भिड़ंत, 1 की मौत, 2 छात्र गंभीर रूप से घायल। कुशीनगर जिले में बारिश के बाद बाढ़ का कहर, नारायणी नदी में बाढ़ से लोग बेहाल, सालिकपुर महादेवा गांव में राहत सामग्री बांटी गई। ललितपुर के सूरी खुर्द गांव में बारिश के बीच 2 मंजिला मकान गिर गया, इस हादसे में 3 बच्चे सहित 5 लोग मलबे में दबकर गंभीर रूप से घायल हो गए, ग्रामीणों ने मलबे से सभी 5 घायलों को बाहर निकाला और जिला हॉस्पिटल में भर्ती कराया। बहराइच जिले की 4 तहसीलों में बाढ़ का संकट छाया, तहसीलों के 95 गांव में बाढ़ का संकट, बाढ़ ग्रस्त इलाकों में भोजन की व्यवस्थाएं कराई गई। महोबा में रेलवे अंडर ब्रिज में जलभराव, 4 दिनों से पानी भरा होने से चरखारी को जोड़ने वाला रास्ता बंद हो गया, परेशान लोगों ने प्रदर्शन किया। मुरादाबाद के जिला अस्पताल परिसर में धू धू कर जली स्कूटी, आग लगने के बाद विस्फोटक से मचा हड़कंप, हॉस्पिटल के कर्मचारियों की मदद से बुझाई गई आग।